सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी हुई पटियाला हाउस कोर्ट ने पंजाब पुलिस को शूटर अंकित और सचिन की एक दिन की ट्रांजिट रिमांड दे दी है। मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के दोनों आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया था। पंजाब पुलिस की तरफ से कोर्ट में अर्जी दाखिल कर अंकित और सचिन की कस्टडी की मांग की गई थी और कोर्ट ने पंजाब पुलिस को शूटर अंकित और सचिन को अरेस्ट करने की इजाजत दे दी है, जिसके बाद कोर्ट में ही पंजाब पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया। अब अंकित के बारे में जानकारी है कि अंकित सभी छह शूटर्स में सबसे कम उम्र का शूटर है, जिसने दोनों हाथों से मूसेवाला पर गोलियां चलाई थी। और बड़ी खबर आ रही है मूसेवाला केस से ही जुड़ी हुई है। बड़ी खबर, जानकारी मिल रही है कि लॉरेंस रिंदा गैंग के शूटर के बारे में यह जानकारी है। जलंधर से 13 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी बेहद अहम खबर, जलंधर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 13 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 13 में 9 शूटर हैं। इनके पास से 13 पिस्तौल बरामद हुई हैं। पुलिस का दावा है कि लोग बम्बीहा गैंग के गैंगस्टर को मारने की प्लानिंग कर रहे थे और पुलिस तो ये भी दावा कर रही है कि ये लोग 5 लोगों के कत्ल की साजिश रच रहे थे। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में बहुत सारी बातें साफ हो चुकी हैं, लेकिन बहुत सारी बातें अभी भी साफ होना बाकी हैं। इस वारदात में किन किन हथियारों का इस्तेमाल हुआ, किस हथियार से मूसेवाला को गोली मारी गई, कितने हथियारों का इस्तेमाल हुआ, ऐसे तमाम सवालों के जवाब पुलिस तलाश रही है। अब इन्हीं सवालों से जुड़ी फॉरेंसिक रिपोर्ट में बेहद चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट में सनसनीखेज सच। मूसेवाला की हत्या से जुड़े नए सबूत। बेनकाब होगी अब वारदात की कहानी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से रोजाना चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट में पता चला है कि वारदात में AK-47 का इस्तेमाल किया गया था। इतना ही नहीं, वारदात के वक्त 30 बोर 9 mm की 5 पिस्तौलों का भी इस्तेमाल किया गया था। जानकारी के मुताबिक फॉरेंसिक टीम को पता चला है कि जिस दिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई, उस दिन 40 से 45 फायर किए गए थे, जिसमें से 7 गोलियां सिद्धू मूसेवाला को लगी थी। इससे पहले ये दावा किया जा रहा था कि इस वारदात में रशियन AN-94 असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल हुआ। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का पूरी तरह से पर्दाफाश करने से अब पुलिस महज चंद कदम दूर है, क्योंकि पुलिस को जो नए सबूत हाथ लगे हैं उससे उम्मीद है कि मर्डर केस में हथियारों की बुद्धि जल्दी सुलझ जाएगी। और ये नए सबूत है विदेशों में बने ये 2 हथियार, जिसे पंजाब पुलिस ने हथियार सप्लायर संदीप कालो के ठिकाने से बरामद किए। इन 2 पिस्तौलों में से 1 अमेरिकन मेड है और दूसरी जर्मन मेड। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में क्या ये 2 बंदूकें खोलेंगी हत्या का राज? क्या ये 2 बंदूकें हथियार का जो नेटवर्क है उस तक ये पहुंचने में मदद करेंगी? जो कारतूस हैं वह दूसरे बंदूक में लगते हैं, यानी कि अलग अलग जगह से इन बंदूकों को मंगाया गया था और बड़े तौर पर हथियार को इकट्ठा करने की साजिश थी और उसको सप्लाई करने की साजिश थी, पंजाब पुलिस की ऐसी थ्योरी है। और पंजाब पुलिस का ये दावा है कि उनकी जो तफ्तीश है और जो ये बरामदगी है बेहद पुख्ता है। पुलिस ने संदीप कालो के ठिकाने से 28 कारतूस भी बरामद किए हैं, जो किसी तीसरे हथियार के बताए जा रहे हैं। इसलिए पुलिस को शक है कि हथियारों की ये ट्रेल और भी लंबी हो सकती है। बड़ी जब इसका हमने उसकी हवेली में सर्च की तो वहाँ हमें 2 वेपन और कुछ राउंड्स बरामद हुए, और जो ये वेपन है एक कोल्ट है और एक जो लूगर है। पुलिस का दावा है कि यह हथियार संदीप कालो को गैंगस्टर जग्गू भगवान पुरिया ने दिए थे, जिसे मूसेवाला हत्याकांड के बाद संदीप ने अपने घर के पास गड्ढे में छुपा कर रखा था। इतना ही नहीं, हथियारों की इस ट्रेल की जांच में पता चला है कि जग्गू भगवान पुरिया और संदीप कालो के बीच रंजीत नाम का एक शख्स भी था, जिसके जरिए गैंगस्टर जग्गू भगवान पुरिया ने ये हथियार संदीप कालो तक पहुँचाए थे, लेकिन रंजीत फिलहाल फरार है।
किसी को नहीं मालूम कि वो फिलहाल कहाँ है। इसका एक और साथी रंजीत है जो अभी रह गया है, बट इसमें ये क्लियर होता है कि इसके जग्गू भगवानपुरिया से तो लिंक है ही है, बट हमें इसका फ़ोन भी मिला है, सो उसे भी देखते हैं हम। तो ट्रेल आगे अभी और काफ़ी खुलासे होने बाकी हैं जिसपे हम लगे हुए हैं। उधर पुलिस के मुताबिक 19 मई को जो हथियार शूटरों के पास पहुंचे थे उसमें संदीप कालो की बड़ी भूमिका थी, इसलिए संदीप को इस बात की भी जानकारी जरूर होगी कि मर्डर के प्लान में कौन सा शूटर किस हथियार का इस्तेमाल करेगा। फिलहाल संदीप कालो लुधियाना पुलिस की 7 दिनों की रिमांड पर है, जिसमें पुलिस संदीप का इन्हीं सवालों से सामना कराएगी। भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने के लिए टर्की और पाकिस्तान की मदद लेकर के भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ना जैसी बातें। बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ से बेहद चौंकाने वाली खबर आ रही है। यहां पुलिस ने आईबी की सूचना पर पीएफआई और एसडीपीआई के 2 ऐसे सदस्यों को अपने शिकंजे में लिया है जो भारत को 2047 तक इस्लामिक देश बनाने के लिए ट्रेनिंग दे रहे थे। इस सनसनीखेज खबर का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने मोहम्मद जलालुद्दीन और पटना के गांधी मैदान ब्लास्ट कांड के आरोपी के सगे भाई अतहर परवेज को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों से अब एनआईए और एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है और इसके अलावा एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। तो ये अभी बेहद अहम खबर, और देखिए मंसूबे कितने खतरनाक थे। बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ से बेहद चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। यहां पुलिस ने आईबी की सूचना पर पीएफआई और एसडीपीआई के 2 ऐसे सदस्यों को अपने कब्जे में लिया है जो भारत को 2047 तक इस्लामिक देश बनाने के लिए ट्रेनिंग दे रहे थे। और इस सनसनीखेज पर्दाफाश के साथ ये 4 तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें संदिग्ध की गिरफ्तारी, मोहम्मद जलालुद्दीन जिसका नाम, आपत्तिजनक पर्चे बरामद हुए हैं, पीएफआई का झंडा बरामद हुआ है और 2047 की वो साजिश का हर वो दस्तावेज डॉक्यूमेंट मौजूद है जो इस वक्त इसी बिना पर इसे गिरफ्तार किया गया है शख्स को जिसका नाम मोहम्मद जलालुद्दीन है। पुलिस ने मोहम्मद जलालुद्दीन और पटना की गांधी मैदान ब्लास्ट कांड के आरोपी के सगे भाई अतहर परवेज को गिरफ्तार किया और दोनों आरोपियों से अब एनआईए और एटीएस की टीम पूछताछ में लगी है और इसके अलावा एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। अतहर परवेज को भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच जानकारी जो आ रही है वो ये कि दावा तो यहां तक है कि दोनों आरोपी पीएफआई